तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वांग बिंग के साथ फाइट में तांगसंग इसे डिफीट कर देता है और ये वो बिंग के ब्लड को प्यूरीफाई कर देती है। फिर तांगसंग बिग कैट को लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए चला जाता है इलाइट कॉम्पिटिशन में, मगर यहाँ पे ये मी गोंजी से मिल जाता है। ये भी यहाँ पे आई हुई है। अब आगे दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ पाएगा, बिल्डिंग में कल शादी है तो आवाज वगैरह काफी ज्यादा होगा, कल तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, परसों से कंटिन्यू रहेगा। इसने कैरी सिटी में जब कहा कि इसे फैमिली टेस्ट देना है तो फिर कौन सोच सकता था कि ये यहाँ पे भी आ जाएगी। इधर मी गोंजी भी यहाँ पे शुरा को देखकर काफी सरप्राइज है। पिकअप रिमन किंग देखते हैं कि मी गोंजी इस पर्सन को यहाँ पे घूरे जा रही है। इस पे ये कहते हैं, क्या तुम इसे जानती हो? इस पे ये कहती है, ये मेरा फ्रेंड है, ये शुरा है, शुरा ये मेरे फादर है। तांगसंग इन्हें ग्रीट करता है। पिकअप रिमन किंग आगे ब्लड टेस्ट के मशीन को देखते हैं और इसमें इन्हें नंबर दिखता है। ये सोचते हैं कि ये लाइका का टेस्ट रिजल्ट हो सकता है जो कि यहाँ पे है, और ये इसे पूछते हैं, तुम्हारा ब्लड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या? इस पर लाइका कहता है, ये मेरा टेस्ट रिजल्ट नहीं है, ये ब्लड सुबह का है। ये सुनकर पिकअप रिमन किंग भी सरप्राइज है कि एक ह्यूमन का ब्लड इंटेंसिटी इस लेवल पे भी जा सकता है, लेकिन ये जानते हैं कि इसके अलावा मी गोंजी का भी ब्लड काफी हाई ग्रेड का है। अब ये मी गोंजी को टेस्ट को करने को कहते हैं। इस टाइम पे तांगसंग काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन को फील करता है मी गोंजी को यहाँ पे देख कर। ये सोचता है कि इस कॉम्पिटिशन में बिग कैट और मी गोंजी दोनों ही आगे जाकर ये कम्पीट कर सकते हैं। उस टाइम पे ये इन दोनों में से किसे सपोर्ट करेगा? मी गोंजी आगे जाकर अपने ब्लड को ड्रॉप करती है और ये मीटर अभी घूमना स्टार्ट करता है, लेकिन ये मीटर स्लोली घूम रहा है। इस पे तांगसंग कहता है, ये ह्यूमंस के लिए कुछ ऐसा ही काम करता है। धीरे धीरे इसका ब्लड का ग्रेड भी अब पता चलने लगता है और ये इंक्रीज ही कर रहा है। इसका भी ब्लड इंटेंसिटी इंक्रीज कर अब सेकंड ग्रेड पे चला जाता है और इसके ऊपर ये मीटर भी जाने में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी भी ये स्लोली इंक्रीज कर रहा है। धीरे धीरे ये बिग कैट के नंबर को भी बीट कर देती है। ये देखकर दूसरे भी सरप्राइज होते हैं, लेकिन तांगसंग को पता है कि इसका ब्लड टेस्ट में सडन चेंज कहां से आ गया है। मी गोंजी का सेकंड ब्लड लाइन लास्ट में इस मीटर में पुश किया है। इधर पिकॉक रिमन किंग भी सेटिस्फाइड होते हैं इसके रिजल्ट को देखकर। फिनिश लाइन के बंदे कहते हैं, इस बार इनके कॉम्पिटिशन में ये डबल कॉम्पिटिशन भी करवा रहे हैं। ये सुनकर मी गोंजी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, फादर क्या मैं इसमें पार्ट ले सकती हूँ? इस पे पिकॉक रिमन किंग कहते हैं, तुम किसके साथ में फाइट करोगी? ये सुनकर तांगसंग आगे आ जाता है और कहता है, मैं फाइट कर सकता हूँ। इसने तो लड़के देखते ही अपना साइड को चेंज कर दिया। इधर पिकॉक रिमन किंग कहते हैं, ये तुम्हें स्लो कर देगा फाइट में। इस पे तांगसंग इन्हें अपना शॉर्ट सेंट टोकन को शो करता है। मी गोंजी भी कहती है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। पिकॉक रिमन किंग कहते हैं, तुम कैरी सिटी में ही जन्म लिए होना। सुरा कहता है, हाँ शॉर्ट सेंट टोकन ये प्रूफ करता है कि तांगसंग पावरफुल है और इसलिए भी ये इससे बात कर रहे हैं। ये मी गोंजी को कहते हैं, फ्यूचर वर्ल्ड तुम्हारे लोगों के लिए ही है, तो फिर तुम ही डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर इधर फिनिक्स लाइन के बंदे कहते हैं, तुम तो पहले बिग कैट के साथ में फाइट करना चाहते थे, अब क्या हो गया? तांगसंग ये सुनकर बिग कैट की ओर देखता है और उसका फेस लटका हुआ है। इस बात को बिग कैट भी जाने देता है। ये दोनों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और ये दोनों ही टीम बैटल में जाने वाले हैं, मी गोंजी और तांगसंग। रजिस्ट्रेशन के बाद मी गोंजी सुरा को गुड बाय बोलकर चली जाती है। इसे यहाँ पे देखकर ये भी काफी खुश है। इसके जाने के बाद तांगसंग बिग कैट को सॉरी कहता है। इस पे ये कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी अपने लवर को ही प्रोटेक्ट करूंगा अगर मैं तुम्हारे सिचुएशन में होता तो। फिर इधर जाते हुए पिकॉक रिमन किंग मी गोंजी को कहते हैं, कौन है ये? इस पे ये कहती है, मैं इससे सिटी में मिली थी, इसने मेरा काफी हेल्प किया है वहाँ पे। इस पे पिकॉक रिमन किंग कहते हैं, अगर वो अच्छा है फिर उसे जाने मत दो, उसके ट्रस्ट को जीतो और उसे अपने साथ रखो, वो आगे फ्यूचर में तुम्हारा हेल्प करेगा, नहीं तो फिर काफी केयरफुल रहना, तुम्हें अपने सब ऑर्डिनेट्स को कंट्रोल भी करना आना चाहिए। मी गोंजी इस टाइम पे उस लाइगर के बारे में सोच रही होती है जो कि तांगसंग के पीछे खड़ा था, और ये सोचती है, क्या वो उसके साथ में कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहता था? इस कारण से भी वो यहाँ पे था और मेरा नाम सुनकर वो मेरे साथ में आ गया फिर? मगर ऐसा क्यों? सुरा का उस मॉन्स्टर के साथ में क्या रिलेशन है? तांगसंग भी अब होटल में आ जाता है और आज के बारे में सोच रहा है कि ये गया था बिग कैट के रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए और वहाँ पे ये मी गोंजी के साथ में साइन अप कर लेता है। ये उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि ये उसे वहाँ पे मिल भी सकेगा, लेकिन ये जानता है कि पिकॉक रिमन किंग ये चाहते हैं कि मी गोंजी अपने स्किल को शो करे इस कॉम्पिटिशन में, तभी ये जाकर अपने क्लाइंट में मी गोंजी को फ्यूचर हेड भी अनाउंस कर सकते हैं। तांगसंग जानता है कि इंडिविजुअल फाइट कॉम्पिटिशन काफी हार्ड होता है, मगर टीम बैटल में मी गोंजी के साथ में तांगसंग इसे प्रोटेक्ट कर सकता है, जबकि ये आज एक गॉड लेवल फाइटर को डिफीट किया है तो फिर ये भी काफी कॉन्फिडेंस होता है। ये इस कॉम्पिटिशन में किसी को भी डिफीट कर सकता है। तांगसंग मेयर को बता चुका है कि ये भी इसमें पार्ट ले रहा है। दो दिन बाद ये कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट होने वाला है, तब तक तांगसंग को यहाँ पे ही रुकना होगा। इसके बाद ये फाइनली वापस से अपने कैरी सिटी में जा सकेगा। उससे पहले तांगसंग को एक जगह पे जाना होता है और ये इस जगह के लिए निकल जाता है हॉर्स कार्ट में बैठकर। अब थोड़ी देर बाद ये इस जगह पे आ भी जाता है। इसके सामने एक काफी बड़ा सा माउंटेन है और इसके ऊपर में एक पैलेस भी है जो कि रेड कलर का दिख भी रहा है। ये एक होली पैलेस है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर का, जो कि
कि रिचन एम्पायर से बिलोंग करते हैं। इन्हें हेवनली किंग भी कहा जाता है। तांगसंग जानता है कि इन्होंने जो प्लान के ब्लडलाइन को कल्टीवेट किया है ये म्यूटेट हो गया है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। टिकट लेने के बाद तांगसंग इस माउंटेन के नीचे में आ जाता है। ये माउंटेन भी एक तरह का एक्टिव वोल्केनो की तरह दिख भी रहा है। तांगसंग अपने घोस्टली ड्रेस का यूज कर ये लावा को यहाँ पे डॉस करते हुए आगे जाता है। जैसे जैसे ये आगे जाता है मैग्मा भी काफी यहाँ पे इंक्रीज करता जाता है। आगे जाने के बाद ये अपने लाइगर क्लैन के पावर को भी रिलीज करता है और इस मैग्मा को रेसिस्ट करने का ट्राई करता है, मगर थोड़ी देर बाद ये रेसिस्ट भी नहीं कर पाता। ये लाइगर क्लैन का ब्लडलाइन भी ज्यादा काम नहीं करता यहाँ पे। तांगसंग पीछे भी नहीं हटना चाहता। ये अपने ब्लू सिल्वर एम्परर को रिलीज करता है इन मैग्मा को रोकने के लिए। ब्लू सिल्वर एम्परर अभी थर्ड ग्रेड का ब्लड लाइन है। प्लांट टाइप स्किल को यूज करते ही तांगसंग को दिखता है कि ये मैग्मा का इफेक्ट भी कम हो गया है। तियांगजिंग एम्परर ये नहीं चाहते कि कोई भी मॉन्स्टर रेस से इस माउंटेन के ऊपर में क्लाइंब भी कर सके और इस कारण से ही तांगसंग लाइगर पावर को यूज करिए लावा को रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसा ही स्टेज को यहाँ पे बनाया भी गया है, मगर प्लांट टाइप स्किल के साथ में ये इसे ये रेसिस्ट कर पा रहा है। तांगसंग ये समझने के बाद माउंटेन पर चढ़ना स्टार्ट नहीं करता, बल्कि ये यहीं पे रुक कर ये देखता है कि इसके कारण से ब्लू सिल्वर एम्परर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं। इस टेस्ट का ये फायदा ले सकता है। इसे पता चलता है कि यहाँ पे हीट से इसका ब्लड भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस तरह के हीट के कारण से इसका प्लांट स्किल का ब्लड लाइन भी प्योरीफाई हो रहा है। तांगसंग का ब्लू सिल्वर एम्परर के पास फायर टाइप एट्रीब्यूट नहीं है, तो इससे ज्यादा यहाँ पे हीट का बेनिफिट भी नहीं होगा प्लांट में। इसे देखना होगा कि ज्यादा हीट से ये अपने ओरिजिन को कहीं डैमेज ना कर ले। ये सन होली माउंटेन काफी बेस्ट है टेम्परिंग इफेक्ट को गेन करने के लिए। तांगसंग अपने ब्लू सिल्वर एम्परर को टेम्पर कर रहा है। सडनली इसके बॉडी से काफी ज्यादा हीट भी जनरेट होना स्टार्ट होता है और इसके कारण से इसके बॉडी से व्हाइट मिस्ट भी जनरेट होता है। तांगसंग सोचता है कि यहाँ पे आकर ये अपने फिजिकल बॉडी को टेम्पर कर सकता है और ये अपने बॉडी को एक गॉड लेवल का बॉडी भी बना सकता है, जो कि काफी अच्छी बात भी है। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद तांगसंग यहाँ से वापस होटल में जाता है और प्रैक्टिस के इफेक्ट को स्टेबल करता है। होटल में प्रैक्टिस करके जो भी ये हीट एब्जॉर्ब किया है इसे ये रिफाइन कर अपने बॉडी में मर्ज करता है और अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। इस जैसे ट्रेनिंग को करने से तांगसंग अपने ब्लू सिल्वर एम्परर में इम्प्रूवमेंट को भी फील कर सकता है। ये सोचता है कि जब तक ये यहाँ पे है इसे अपने ट्रेनिंग को जारी रखना चाहिए और बिग कैट को भी सेंड करना चाहिए, उसका भी लाइगर पावर इम्प्रूव हो सकता है वहाँ के हीट के कारण से। हालांकि ये ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर सकेगा, मगर जितना भी वो कर सकेगा उसका बॉडी काफी इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट डे अब ये वापस से होली माउंटेन पे चला जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे आने के बाद ये अपने ब्लू सिल्वर एम्परर को रिलीज कर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही ये ऐसा करता है इस बार वाइंस निकलते ही इसमें एयर से काफी टेंशन भी बिल्ड होना स्टार्ट होता है और ये वाइंस टूटने लगते हैं। यहाँ तक कि तांगसंग के बॉडी में भी ब्लू सिल्वर एम्परर स्ट्रेक करता है और ऐसा लगता है कि ये स्किल्स भी टूट रहा है और ये गायब हो रहा है और ये तांगसंग के बॉडी में टूट कर बिखर रहा है। इससे तांगसंग को काफी ज्यादा पेन भी फील होता है और इसके मुंह से काफी ब्लड भी आता है। तुरंत तांगसंग अभी जगह को छोड़कर निकल जाता है और एक अंधेरे जगह पे आ जाता है। इस टाइम पे एक वुमन भी तांगसंग को देख लेती है और सोचती है एक और बेवकूफ यहाँ पे आ गया, जिसे ऐसा लगता है कि ये यन यांग पावर को ये मर्ज कर इवॉल्व हो सकता है, ये खुद को ही चोट पहुंचा रहा है। इधर तांगसंग काफी पेन में होता है। ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहता और ये अपने टेलीपोर्टेशन का यूज कर ये होटल में आ जाता है। इसने भी नहीं सोचा था कि यन एंड यांग पावर जब एक दूसरे को टच करेंगे फिर इस तरह का रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे इसके पास में ज्यादा कुछ खास चारा भी नहीं होता। ये सोचता है कि इसे अपने ब्लू सिल्वर एम्परर स्किल को कट कर देना चाहिए और अपने बॉडी से निकाल देना चाहिए, मतलब कि अगर तांगसंग ऐसा कर देता है फिर ये अपने ब्लू सिल्वर एम्परर स्किल को खो देगा। इससे पहले कि ये स्किल के बॉडी को डैमेज कर दे, एक डैमेज स्किल के कारण से ये अपने बॉडी को तो डैमेज नहीं कर सकता है। सबसे बुरा बात ये है कि कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट होने वाला है और अगर ऐसा तांगसंग करता है फिर इसका कल्टिवेशन भी काफी कम हो जाएगा ऐसा करने के कारण से। अभी ये टाइम स्किल का यूज कर ब्लू सिल्वर एम्परर के डैमेज को स्लो कर दिया है, मगर ये ज्यादा हेल्प भी नहीं कर रहा। अब तांगसंग ब्लू सिल्वर एम्परर को अपने बॉडी से निकालने वाला है, लेकिन जब ये ऐसा करने ही वाला होता है इतने में इसका बॉडी के अंदर में फॉक्स स्किल साइन करता है। इसे देखकर ये कहता है हाँ ये स्किल भी तो मेरे पास में है, मैं इसके लक एनर्जी को यूज कर सकता हूँ और ये लक पावर को यूज करता है ब्लू सिल्वर एम्परर पे। इसके कारण से इसका रिएक्शन भी थोड़ा स्लो हो जाता है और साथ ही इसमें कुछ चेंजेस भी आना स्टार्ट हो जाता है। तांगसंग देखता है कि ब्लू सिल्वर एम्परर इसका सिंबल इसके बॉडी के अंदर में टूट गया था और ये छोटे छोटे पीसेस में टूट चुका है, मगर अब लक के कारण से ये एक साथ में फ्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं और वापस ये रिस्टोर होने लगते हैं। इस बल्ला किसे बचा लिया है। तांगसंग फील कर सकता है कि ये पहले से काफी डिफरेंट हो चुका है। एक बार ये रिस्टोर हो जाए फिर ये इसे यूज कर ट्राई भी कर सकता है कि इसमें चेंजेस क्या क्या आया है और इसमें क्या न्यू पावर है। इधर एंसेस्टर इलाइट कॉम्पिटिशन का तैयारी भी चल रहा होता है। स्टेज को भी बनाकर फिनिश कर दिया जाता है जहाँ पे कॉम्पिटिशन भी होने वाला है। इस कॉम्पिटिशन में जो भी पार्ट लेते हैं वो अपने पावर को अपने क्लाइन को शो करना चाहते हैं और ये अपने क्लाइन के अटेंशन को गेन भी करना चाहते हैं। टाइम भी पास करता जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब ये कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट होगा। टीम बैटल भी होने वाला है इस बार के कॉम्पिटिशन में, मगर टीम में सिर्फ दो ही पर्सन हो सकते हैं। टिकट भी सभी सेल हो चुके हैं। इसे देखने के लिए काफी लोग आने वाले हैं। ऑडियंस अर्ली मॉर्निंग से ही यहाँ पे आ जाते हैं। तांगसंग और बिग कैट ये दोनों ही यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आकर ये अपने मैच के ऑर्डर को फाइन कर रहे हैं। तांगसंग ये थर्ड ग्रुप में है और बिग कैट ये सिक्स ग्रुप में है। तांगसंग मी गोंजी को यहाँ पे देखकर इसके पास में जाता है और इसे एक कम्युनिकेशन डिवाइस
को दे देता है, जिसमें स्पिरिचुअल पावर को डालने से ये बात भी कर सकता है इससे दूर होने के बाद भी, जैसा कि ये मेयर के साथ में कर भी सकता है। एक बार जब सभी कैंडिडेट का ग्रुपिंग यहाँ पे हो जाएगा कि कौन कौन से ग्रुप में फाइट करने वाला है, फिर एक कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट होगा। इस प्रोसेस में भी ज्यादा देर नहीं लगता और ये खत्म हो जाता है। पहला राउंड तो एलिमिनेशन राउंड होने वाला है, जिसमें प्लेयर्स को बेसिकली निकाला जाएगा जो भी वीक है। इस कॉम्पिटिशन का एक ही रूल है कि इसमें कोई भी रूल नहीं है, किसी भी तरह का वेपन यहाँ पे अलाउ किया गया है। इस टाइम पे 6 ग्रुप को स्टेज पे लेकर आया जाता है और ये 98 का फाइटर भी है। इनका पास सेकंड ग्रेड का ब्लड लाइन भी है, कुछ के पास तो फर्स्ट क्लास का भी ब्लड लाइन है। तांगसंग और बिग कैट ये वेटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं अपने बारी का। स्टेज पे इस टाइम पे दो मॉन्स्टर आते हैं, एक तो फिनिक्स रेस से जो कि फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन को कैरी करता है, और इसके अपोजिट में एक बंदा काइजिन रेस से है। इन दोनों में ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मगर काइजिन ये सेकंड ग्रेड ब्लड को कैरी करता है। इन दोनों का पावर लेवल भी सेम है, मगर इनका कल्टिवेशन स्किल डिफरेंट होने वाला है। इन दोनों का फाइट अब स्टार्ट होता है। फिनिक्स अपने विंग का यूज करता है। फिनिक्स रेस से ह्यूमंस के जैसे ही दिखते हैं, बस इनके पीछे में विंग्स होते हैं। फिनिक्स अपने विंग से अटैक करता है। इधर काइजिन ये अपने शार्प ब्लेड से अटैक करता है, ये एक शॉट को कैरी कर रहा है। फ्लेम को काइजिन अपने ब्लेड से कंटिन्यू कट कर रहा है। दोनों का फाइट काफी अच्छा चलता है। काइजिन फिनिक्स से काफी इंफीरियर होते हैं, हालांकि फाइट में काइजिन ये फिनिक्स के विंग्स को अपने ब्लेड से काट देता है, जिसके कारण से फिनिक्स से चिल्लाते हुए ये नीचे की ओर में आकर धड़ाम से गिरता है। इसे डैमेज हालत में देखकर काइजिन अपने ब्लेड से इसके हाथ को भी काट देता है। फिनिक्स इसे देखकर काफी पैनिक भी कर जाता है और ये अपने फ्लेम को रिलीज करता है, मगर इसका फ्लेम है काइजिन को हर्ट नहीं करता और ब्लेड फ्लेम को चीरते हुए इसके पास में आ जाता है और इसे हिट करता है। ये मैच भी इजिली खत्म हो जाता है। फिनिक्स ये काइजिन से सुपीरियर था, मगर फिर भी इसका कॉम्बैट एबिलिटी काफी वीक था, इस कारण से ये डिफीट भी हो गया है। इधर बिग कैट ये देखकर कहता है, अगर इस कॉम्पिटिशन में इस लेवल का फाइट होने वाला है फिर मैं इस कॉम्पिटिशन में टॉप 3 में आ सकता हूँ। नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है। स्टार्ट होते ही ये मैच 10 सेकंड में ही खत्म हो जाता है। इसमें एक ड्रैगन डीमन फाइट कर रहा था, ये अपने पावर से ही अपने ओपोनेंट को डिफीट कर दिया है। एक साथ में यहाँ पे 3 बैटल भी चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अरीना में 3 अरीना में फाइट यहाँ पे चलता है एक साथ में, ताकि सभी प्लेयर का फाइट भी ये ले सके काफी जल्दी। फर्स्ट ग्रुप का मैच 1 घंटे में खत्म हो जाता है, फिर सेकंड ग्रुप का मैच भी स्टार्ट होता है। इधर तांगसंग और बिग कैट दोनों ही बैठ कर इनके मैच को देख रहे होते हैं और ये दोनों इस फेरी कॉन्टिनेंट के पावरफुल मॉन्स्टर रेस की एबिलिटी और स्किल को देख रहे हैं। इससे इन्हें भी समझ में आने लगता है कि इन मॉन्स्टर रेस का पावर क्या हो सकता है। सेकंड ग्रुप का बैटल थोड़ा लंबा चल जाता है और थर्ड ग्रुप में तांगसंग है और अब ये भी आगे जाता है बैटल के लिए, और बिग कैट कहता है मैं तुमसे फाइनल्स में मिलता हूँ। आगे जाते हुए टनल से तांगसंग इसमें काफी सारे मॉन्स्टर रेस को भी देखता है, जैसे कि एलिफेंट डीमन, और ये काफी बड़े भी दिख रहे होते हैं। तांगसंग के बॉडी में अभी एलिफेंट का भी स्किल्स है, तो फिर ये इससे भी फेमिलियर है। मैनमुथ डीमन रेस ये काफी स्ट्रॉन्ग क्लैन से बिलोंग करते हैं। मैनमुथ डीमन रेस ये काफी स्ट्रॉन्ग क्लैन होते हैं। जो 7th रैंक डीमन एम्परर है ये इसी क्लैन से बिलोंग करते हैं और ये क्लैन एक एलिफेंट रेस है। मैनमुथ रेस एलिफेंट रेस का ही एक ट्राइब है। इनके मुंह में 3 दांत होते हैं बड़े बड़े से, जिसे देखा भी जा सकता है। आगे जाने के बाद नंबर 3 और नंबर 4 को कॉल किया जाता है। ये दोनों ही स्टेज पे आ जाते हैं। तांगसंग देखता है कि इसका बैटल इस मैनमुथ डीमन से है। ये एलिफेंट डीमन तांगसंग को देखकर कहता है तुम तो ह्यूमन हो, फिर ये थोड़ा सोचता है और फिर कहता है अगर तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हो तो फिर तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गए। तांगसंग भी इस तरह के रिएक्शन का उम्मीद नहीं कर रहा था कि एलिफेंट डीमन इतना समझदार भी हो सकता है। तांगसंग सोचता है कि ये इस बार इस जैसे पावरफुल मॉन्स्टर का सामना करने वाला है, इसका लक को क्या हो गया, क्या ये बैड लक को फेस कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे देखते हैं और इनका मैच भी स्टार्ट होता है। तांगसंग देखता है कि एलिफेंट डीमन एक तरह के डिफेंसिव आर्मर को पहने हुए जो कि काफी मोटा भी है और इसे पेनिट्रेट करना भी काफी डिफिकल्ट हो सकता है। ये एलिफेंट डीमन स्माइल कर रहा है। इधर जो ऑडियंस देख रहे हैं ये सोचते हैं कि क्या ये ह्यूमन है जो कि इसमें पार्ट ले रहा है। एक कहता है इसके पास में सॉर्ड सेंट का टोकन है, फिर दूसरा कहता है तो फिर ये सॉर्ड में काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके पास तो कोई वेपन ही नहीं है। इधर फाइट स्टार्ट होता है। तांगसंग इसका अटैक को डॉस करता है और स्टेज पे इधर उधर भाग रहा है। एलिफेंट डीमन को काफी प्रॉब्लम भी होता है, इसका स्पीड ज्यादा नहीं है। ये मॉन्स्टर ऊपर एयर में जंप करता है और तांगसंग को आगे बढ़कर अटैक करता है। तांगसंग भी इसका वेपन को देखता है इसके हाथ में। एक तो एलिफेंट डीमन इतना ज्यादा भारी होता है और साथ ही जब ये जंप कर अपने फिजिकल पावर को कंबाइन कर अपने वेपन से अटैक करता है, फिर तांगसंग पे काफी प्रेशर भी पड़ता है। ये एलिफेंट डीमन गोल्डन ब्लड लाइन को कैरी करता है जो कि इसके डिफेंस को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। इधर जब तांगसंग इसके अटैक को डॉस करता है, फिर ऊपर ऑडियंस भी देखते हैं और ये हंस रहे होते हैं कि एक वीक ह्यूमन क्या ही कर सकता है इसके सामने में। एलिफेंट डीमन इस टाइम पे 2 हैमर को कैरी कर रहा है और ये अटैक करता है अपने 2 हैमर से। तांगसंग इसका अटैक को लगातार डॉस कर रहा है। तांगसंग अभी कोई भी वेपन को कैरी नहीं कर रहा, ये जानता है कि वेपन को यूज करने से इसका स्पीड स्लो हो जाएगा और ये फास्ट डॉस नहीं कर सकेगा। फाइट के दौरान तांगसंग इसके चेस्ट से टकरा जाता है और ये बाउंस बैक होकर पीछे की ओर गिर जाता है और ये एलिफेंट डीमन को ऐसा लगता है जैसे कि इसे कुछ भी हुआ ही ना हो। तांगसंग इसका वीकनेस को फाइंड कर अब ये वापस इसके चेस्ट पे अटैक करता है। अटैक के टाइम पे इसे कुछ भी फील नहीं होता। जब तांगसंग पीछे हट जाता है फिर इसे कुछ फील होता है। इसका हर्ट जो कि चेस्ट के अंदर में था ये पंप भी सही से नहीं कर रहा, जिसके कारण से इसका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी सही से नहीं होता। ये सोचता है कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो सकता है। तांगसंग अपने लाइगर पावर को और साथ ही इसमें थोड़ा
स्पेस के पावर को ऐड कर हिट किया था, जिससे फोर्स मसल से होते हुए इसके हर्ट तक भी चले गए हैं। इसमें ये नन यांग का भी पावर ऐड था। तांगसंग का भी ब्लू सिल्वर एम्परर फॉर्म नहीं हुआ है जब से ये टूट गया है, मगर उसके जगह पे अभी ये नन यांग का पावर आ चुका है और इसमें अभी भी थोड़ा बहुत है ब्लू सिल्वर एम्परर का पावर ऐड है, तो तांगसंग ये नन यांग पावर को यूज कर सकता है। इस टाइम पे ये नन यांग का पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये एयर से ज्यादा ये नन यांग पावर को खींच भी नहीं सकता है। अभी ये इसे दिन में 3 बार ही यूज कर सकता है। इस टाइम पे एलिफेंट डीमन ये अपने सांसों को कंट्रोल करता है, ये काफी हांफ रहा है ब्लड की कमी के कारण से। इधर तांगसंग काफी फास्ट इसके पास में आ जाता है और हिट करता है। इधर ये एलिफेंट डीमन अपने हाथों से इसे कैच करने का ट्राई करता है, मगर हिट होते ही फिर से इसे वही पेन फील होता है अपने हार्ट में। इस बार इसे काफी ज्यादा पेन फील होता है और ये सही से सांस भी नहीं ले पाता। ये चिल्लाता है और कहता है मैं हार मानता हूँ। तांगसंग इस मैच को जीत जाता है और ये फाइट यहीं पे खत्म हो जाता है। तांगसंग अपने ओपोनेंट को किल नहीं करता, ये जानता कि ये अभी अपने फिजिकल पावर से इस जैसे मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकेगा। ये अपने स्मार्ट मूव से ही जीत जाता है। तांगसंग इसे देखकर कहता है हिलो मत, मैं तुम्हारी इंजरी को हील कर देता हूँ। तांगसंग इसके बॉडी के अंदर से ये नन यांग पावर को वापस लेना चाहता है। इस तरह का पावर ये इसके बॉडी में छोड़ तो नहीं सकता है, तुरंत ही ये इसे हील कर देता है। एलिफेंट डीमन कहता है तुम बता सकते हो कि तुमने मुझे डिफीट करने के लिए कौन से पावर का यूज किया था। इस पर तांगसंग इसे कुछ भी नहीं कहता और इसे कहता है नो कमेंट्स प्लीज। ये मॉन्स्टर अब अपने नाम को बताता है, इसका नाम है माओवेन है। तांगसंग अपने नाम को सूरा बताता है। तांगसंग अब यहाँ से चला जाता है। इधर माओवेन अभी भी सूरा की ओर देख रहा है। इसे जाते हुए ये सोचता है कि ये जाकर अपने ग्रैंडपा को क्या एक्सप्लेन करेगा कि ये कैसे हार गया। इधर तांगसंग वेटिंग रूम में आ जाता है और ये काफी खुश भी है अपने न्यू पावर से। इस पावर को यूज कर ये आसानी से 90 ईयर फाइटर को डिफीट भी कर सकता है। इस पावर के साथ में ये एक गॉड लेवल फाइटर को भी डिफीट कर सकेगा। अब तांगसंग इस पावर को कल्टिवेट करना चाहता है और इसे एक एक्सप्लोसिव पावर में चेंज करना चाहता है जिससे काफी डैमेज भी हो सके, मगर ये फ्यूचर का बात है। आज ये बिग कैट और मिंग गोंजी के बैटल को जब देख लेगा फिर ये वापस चला जाएगा और जाकर ये होली सन माउंटेन पे ट्रेनिंग भी करने वाला है, ऐसा ये सोचता है। टाइम पास करता जाता है और बिग कैट का फाइट का भी समय आ जाता है और ये निकलता है फाइट के लिए। इसके पास काफी बैटल एक्सपीरियंस भी है तो फिर ये भी अपने फाइट को जीत ही सकता है। ये कैरी सिटी के अरीना में काफी फाइट किया है वहाँ पे और उस लाइफ एंड डेथ बैटल में इसे काफी इंजरी भी आया था, साथ ही से काफी एक्सपीरियंस भी वहाँ से मिला है। अरीना में फाइट करने पे जो पैसे से मिला करते थे उस पैसे का ये यूज करता था अपने क्लाइंट के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, जबकि इसके क्लाइंट का हालत उस टाइम पे काफी खराब था। मगर जब ये तांगसंग से मिला फिर सब कुछ बदल गया, इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। इसके क्लाइंट का दो ही मेन प्रॉब्लम था, एक तो पैसा और दूसरा ब्लड लाइन का प्रॉब्लम, जो कि तांगसंग से मिलने के बाद ये दोनों ही सॉल्व हो चुका है। आज ये भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड है और ये भी यहाँ पे सभी को दिखाना चाहता है कि एक लाइगर क्या कर सकता है। लाइगर क्लाइंट से बिग कैट को यहाँ पे देखकर टाइगर जो यहाँ पे आए हैं फाइट को देखने के लिए ये भी काफी गुस्सा होते हैं कि लाइगर क्लाइंट से कोई भी यहाँ पे कैसे आ सकता है। बिग कैट का एनिमी इस टाइम पे सामने आता है, ये गोल्डन डीमन ए पे, इसका ब्लड लाइन सेकंड ग्रेड का है। गोल्डन डीमन ए पे इनमें काफी स्पेशल पावर होते हैं और साथ ही इनका यूनिक पावर भी होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर इनका फाइट भी स्टार्ट होता है। तुरंत ही दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। गोल्डन डीमन ए पे इसके हाथ में बड़ा सा डंडा है, एक स्टेक है, ये ऊपर एयर में जम कर स्टेक को रोटेट करता है और अटैक करता है। ये देख कर लाइगर भी अपने शॉर्ट को आगे करता है और इन दोनों का वेपन एक दूसरे से कोलाइड करता है। बिग कैट के शॉर्ट से गोल्डन लाइट फ्लैश करता है और इससे काफी शॉर्ट लाइट भी निकलता है जो कि गोल्डन डीमन एप के बॉडी को हिट करता है। इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी काफी डैमेज होते हैं, इसके मुंह से काफी ब्लड भी आता है, इसके इंटरनल ऑर्गन्स कट जाते हैं और ये ऑन द स्पॉट मारा जाता है। तुरंत ये देख ऑडियंस भी काफी दंग हो जाते हैं। ये एंसेस्ट्रल कोर्ट का अरीना है, यहाँ पे मरने का चांस भी काफी कम होता है जबकि इसमें पार्ट लेने वाले सभी नोबल होते हैं तो फिर, और ये काफी पावरफुल भी होते हैं, मगर फिर भी ये मारा गया है। और आज सुबह से लेकर अब तक कोई भी अपने मैच में मरा नहीं है। जो लायन और टाइगर डीमन रेस के बंदे बैठे हुए थे ऑडियंस में ये भी काफी सरप्राइज होते हैं और इनका आंखें तो फटाका फटा ही रह जाता है ये देखकर। हालांकि इस कंपटीशन में किल नहीं करना ऐसा कोई रूल नहीं है। बिग कैट सभी को कहता है मैं लायगर क्लैन से हूं और मैं यहां पे अपने स्किल को शो करने आया हूं। वीआईपी रूम में एक नोबल लायन बैठा होता है और ये इस फाइट को देखकर काफी सरप्राइज है और ये कहता है तो फिर लायगर क्लैन ने अपने ब्लड पल्स को सॉल्व कर दिया है, अब इनका ब्लड शायद फर्स्ट क्लास का हो गया होगा। तांगसंग भी इस मैच को देखता है वेटिंग रूम से। बिग कैट अब इसके पास में आ जाता है गोल्डन डेमन के स्टिक को लेकर और ये तांगसंग को ये स्टिक को दे देता है। सभी जानते हैं कि ये एंसेस्ट्रल कोर्ट में कंपटीशन हो रहा है और इसमें पार्ट लेने वाले सभी सेकंड ग्रेड या तो फिर इसके ऊपर का ब्लड को कैरी करते हैं। अगर ये गोल्डन डेमन ए पे इतना जल्दी मारा गया है तो फिर इसका मतलब है कि बिग कैट फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन को कैरी करता है। तांगसंग मी गोंजी के मैच का वेट कर रहा है और ये जानता है कि 90 ईयर पे जा चुकी है और ये इसके स्किल्स को देखना चाहता है। टाइम पास करता जाता है और मी गोंजी का भी बारी अब आ जाता है और ये स्टेज पे आ जाती है अपने फाइट के लिए। इधर तांगसंग भी इसे देख रहा है। मी गोंजी के सामने एक गोल्डन फॉक्स डीमन खड़ी होती है और ये एक वुमन है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फाइट स्टार्ट होते ही अब गोल्डन डीमन फॉक्स अपने बॉडी को शेक करती है और उसका बॉडी दो पार्ट में बढ़ जाता है। ये अपने बॉडी से एक क्लोन को क्रिएट कर लेती है। फॉक्स डीमन क्लैन में गोल्डन फॉक्स रेस
है, ये काफी रेयर होते हैं। इनका नंबर भी काफी कम है और इनका पावर स्काई फॉक्स डेमन रेस के बराबर होता है। जहाँ तक स्काई फॉक्स ट्राइब में ये फॉक्स फाइटिंग में अच्छे नहीं होते, मगर स्काई फॉक्स ये डिफरेंट होते हैं। ये डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दो फिगर चेंज होकर अब चार फिगर में बदल जाता है और ये एक साथ में मी गोंजी की ओर आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। जब ये आगे जा रही थी फिर इधर मी गोंजी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और ये अपने एनिमी को देख रही है। इसके पीछे से इसका पीकॉक फेदर निकलता है और इसे लाइट भी इमिट होता है। स्पेस पावर मी गोंजी के बॉडी को ही सेपरेट कर देता है। स्पेस पावर के होने के कारण से ये गोल्डन फॉक्स डीमन आगे नहीं आ पाती। गोल्डन फॉक्स डीमन ये काफी अच्छी है इल्यूजन में और चार्म मैजिक में, किसी का भी मन को ये मोह सकती है। जब ये पीछे हट जाती है फिर इसके पीछे का स्पेस भी ब्लॉक हो जाता है और ये फंस जाती है। इसके भागने का भी रास्ता नहीं होता। ये तुरंत ही कहती है मैं हार मानती हूँ। ये सुनकर मी गोंजी का स्पेस पावर अब श्राइन करता है और सिल्वर लाइट फ्लैश करता है। मी गोंजी यहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पे जो भी देख रहे थे ये सभी काफी सरप्राइज होते हैं इस फाइट को देखकर। इधर तांगसांग भी सरप्राइज है। तांगसांग ने इसे अपना स्टोन और डेस्टिनी को भी दिया था तो लक पावर भी इसके साथ में ही रहेगा। मी गोंजी यहाँ से चली जाती है और ये वेडिंग रूम में आ जाती है। यहाँ पे इसे अपना फैमिली टेस्ट याद आ जाता है, इसने जो टेस्ट को दिया था डार्क केव में। पीकॉक डेमन किंग इन्हें पता है कि एंसेस्टर कोड का इलाइट कॉम्पिटिशन होने वाला था और इसमें अगर मी गोंजी साइन कर पाती है फिर अपने फैमिली के ऑनरशिप को भी पास कर सकेंगे इसे। इस कारण से भी ये अपने फैमिली टेस्ट को पहले करवाना चाहते थे ताकि इसके पास वो पावर हो जिससे ये कॉम्पिटिशन में फाइट भी कर सके। मी गोंजी को बचपन से ही इसकी मदद से ट्रेन की है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। उस टाइम पे इसके पास में शुरा का दिया हुआ स्टोन ऑफ लक भी था। जब ये डार्क केव में गई वहाँ पे एक एल्टेयर था और इसके पास में स्पेस का पावर भी काफी फील किया जा सकता है। ये फील करती है कि अगर ये इसे हिट होती है फिर ये मारी भी जा सकती है, ये फोर्स इसके बॉडी को कट भी कर सकता है। ये सोचती है कि क्या ये इसका टेस्ट है, लेकिन अंत में ये इसकी मिस्ट्री को समझ लेती है। इसके पैर के नीचे से स्पेस पावर भी निकलता है और फोर ले ऑफ लाइट शूट होता है, एक रिदम है। इस पे ये अपने पावर को रिलीज कर रही है। इसके मूवमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि ये डांस कर रही है और ये एयर में खड़ी है। हालांकि अभी भी सराउंडिंग लाइट काफी इंक्रीज कर रहा होता है जो कि स्पेस पावर है और इसके कारण से भी एयर में क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है सिल्वर कलर का। मगर जैसे जैसे ये अपने डांस को करते जाती है एक रिदम में इसके बॉडी से और भी स्पेस पावर निकलता जाता है जिससे सराउंडिंग और भी ज्यादा अफेक्टेड होता है। इस डेंजरस टाइम पे इसका हेल्प क्रिस्टल मिरर करता है, इससे लाइट ब्रस्ट होता है और ये थिंग्स को स्लो डाउन कर देता है। इधर ये अपने टीएनजी डांस को समझ पाती है अच्छे से। इसके मिस्ट्री को समझने में अभी भी काफी समय से लगने वाला है, मगर ये इस डांस फॉर्म को अच्छे से मास्टर कर चुकी है। जब ये इस डांस को मास्टर कर चुकी है फिर इस बारिश के पैर से डिफरेंट लाइट शाइन करता है और ये इस केव के बाहर आ जाती है और इसे पता भी नहीं चलता। टीएनजी टोकन ये पीकॉक डेमन रेस का ग्रेटेस्ट टोकन है जो कि हाईएस्ट ऑनर ऑफ अचीवमेंट होता है। इसकी आंखों में सिल्वर लाइट को भी देखा जा सकता है और इसका बॉडी पहले से काफी डिफरेंट पावर को भी शो कर रहा है, एक तरह का अलग ही चमक देखा जा सकता है इसके बॉडी से। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनिमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।